नमस्कार। 12 जून को नेपाल और श्रीलंका के बीच में एक T20 मैच खेला जाएगा और दोस्तों यकीन मानिए कि इस मैच में नेपाल की जो टीम है वो ज्यादा मजबूत है श्रीलंका के प्लेयरों के हिसाब से। अगर आप श्रीलंका के प्लेयर और नेपाली प्लेयरों का कंपेयर करते हैं तो आपको नेपाली प्लेयर ज्यादा मजबूत दिखाई देंगे। मैं अभी आपको कंपेयर करके दिखा देता हूं नेपाली प्लेयर वर्सेस श्रीलंका के प्लेयर जो इस समय T20 वर्ल्ड कप खेलने गए हैं। अगर नेपाल इस मैच को ढंग से और मेहनत के साथ खेलता है तो गारंटी है कि नेपाल श्रीलंका को हराने में सफल होगा। और आपने देख ही लिया होगा कि कमजोर टीमें बड़ी सी बड़ी टीमों को हरा दे रही है, जैसे पाकिस्तान को हरा दिया अमेरिका ने, अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। अब आप खुद ही सोचिए, पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम जो कि वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी है और उसके पास इतने धाकड़ खिलाड़ी हैं, उनको हरा दिया अमेरिका ने, और अमेरिका की एक कमजोर टीम है, तो कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल देखते हैं श्रीलंका के प्लेयर जो इस समय T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और नेपाल के प्लेयर जो T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। हमने आपको क्लियर कर दिया कि नेपाली प्लेयरों का जो रिकॉर्ड है, औसत है, स्ट्राइक रेट है, वो श्रीलंका के प्लेयरों की अपेक्षा ज्यादा अच्छा है। पहले बात करते हैं श्रीलंका के जो प्लेयर हैं उनका रन औसत, स्ट्राइक रेट और कितने मैच खेले, उसके बाद नेपाल के प्लेयरों का इनसे कंपेयर करेंगे। तो पहले श्रीलंका के जो प्लेयर T20 खेल रहे हैं उनमें है पी निशांक। इन्होंने 49 मैच खेले, उसमें केवल 1234 रन बनाए। इनका एवरेज है केवल 27 का और 115 की स्ट्राइक रेट है, यानी ये अच्छे खिलाड़ी बिल्कुल नहीं है। दूसरा है कुशल मेंडीज। इन्होंने 65 मैच खेले और 65 मैच में 1523 रन बनाए। 25 का इनका एवरेज है, 133 का स्ट्राइक रेट है, ये भी कोई बड़े प्लेयर नहीं है। अब तीसरे नंबर पे कुमांदू मेंडीज। ये इन्होंने 11 मैच खेले, केवल 220 रन बनाए। 24 का औसत है और 130 की स्ट्राइक रेट है, यानी ये भी अच्छे प्लेयर नहीं है। फिर चौथे हैं इनके बैट्समैन धनंजय डी सिल्वा। इन्होंने 43 मैच में मात्र 792 रन बनाए। 20 का एवरेज है इनका और 116 का स्ट्राइक रेट। और पांचवें हैं चरित्र असलंका। इन्होंने 45 मैच में 996 रन बनाए। 24 का एवरेज है, 125-25 की स्ट्राइक रेट है, यानी ये भी कम है। अब हैं आगे हंस रंगा, जिन्होंने 66 मैच में मात्र 656 रन बनाए और 14 की एवरेज है और 130 का स्ट्राइक रेट है। एंजिलो मैथ्यू जो है 88 मैच खेले, 88 मैच में केवल इनके 1376 रन है, 27 की एवरेज है और 120 का स्ट्राइक रेट है, यानी ये भी नहीं है काम के प्लेयर। तो इनमें आपने देखा होगा जो सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है वो है कुशल मेंडीज की, मात्र 133 की। और जो सबसे हाई एवरेज है वो है 27 का पी निशांक का और एंजेले मैथ्यूज का। बाकी सबका एवरेज 24-25-23 है, यानी इनका एवरेज हाईएस्ट कितना हुआ 27 और स्ट्राइक रेट हाइट कितनी हाइस्ट कितनी है 133। अब बात करते हैं नेपाली प्लेयरों का। अब देखिए कुशल भुर्तेल भले ही आजकल नहीं चल रहे हैं लेकिन पिछला रिकॉर्ड उनका देखेंगे तो 43 मैच में उन्होंने 1081 रन बनाए। 29 का एवरेज है, 131 की स्ट्राइक रेट है, यानी श्रीलंका के प्लेयरों की अपेक्षा इनका कुशल भुर्तेल का रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा है। मल को देख लीजिए, पिछला रिकॉर्ड बता रहे हैं 39 मैचों में 741 रन बनाए, 36 की एवरेज है, 167 का स्ट्राइक रेट है, यानी गजब का। श्रीलंका का प्लेयर मल का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इतना बढ़िया इनका रिकॉर्ड है। पोडेल का ये आप देख लीजिए, पोडेल ने 49 मैचों में 1100 रन बनाए, 1182 रन बनाए, बढ़िया एवरेज है इनका। 29 का एवरेज है, 125 की स्ट्राइक रेट है। अब एरी का 64 मैच में 1626 रन बनाए, 39 का एवरेज है, 146 की स्ट्राइक रेट है, यानी बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड है दीपेंद्र एरी का। आसिफ शेख का 44 मैच में 1023 रन,
118 की स्ट्राइक रेट है, ठीक है, आसिफ से कभी बढ़िया है। यानी यहाँ पे आप नेपाल के जितने भी प्लेयर बैट्समैन हैं इनको देखेंगे और श्रीलंका के बैट्समैनों को देखेंगे तो आपको पिछला रिकॉर्ड नेपाली प्लेयरों का ज़्यादा बेहतरीन मिलेगा श्रीलंका के प्लेयरों की अपेक्षा। देखिए बांग्लादेश और श्रीलंका में श्रीलंका की टीम ज़्यादा मजबूत मानती है दुनिया, लेकिन बांग्लादेश ने श्रीलंका को हरा दिया। उधर साउथ अफ्रीका ने भी श्रीलंका को हरा दिया, लेकिन साउथ अफ्रीका मजबूत टीमों में आती है। अब नेपाल की बारी है, तो मुझे ऐसा लगता है अगर नेपाली प्लेयर सही से खेलते हैं तो इस मैच को नेपाल जीत जाएगा। कारण क्या है कि नेपाल के जो बैट्समैन हैं उनका ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड है श्रीलंका के प्लेयरों के हिसाब से। आप कभी भी जब नेपाली प्लेयर मैच खेलते हैं उसको गहराई से देखिए और तब आपको लगेगा नेपाली प्लेयर कम से कम 50% तो फालतू में आउट होते हैं, जिन बॉलों पे आउट नहीं होना है उन बॉलों पे आउट हो जाते हैं। क्योंकि मैं भी देखता हूँ नेपाली क्रिकेट, नेपाल जब क्रिकेट खेलता है कोई मैच खेलता है तो मैं स्वयं देखता हूँ कि नेपाल कैसे खेल रहा है, और अहम मौक़ों पर जब अच्छा खेलने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर क्या देखा गया कि नेपाली प्लेयर कहाँ आउट हो जाते, जिन बॉलों पे कोई आउट नहीं होता लापरवाही के चलते उन बॉलों पे आउट हो जाते हैं, फिर प्रेशर नहीं झेल पाती नेपाली टीम। अगर किसी टीम ने थोड़ा ज़्यादा रन बना दिए तो नेपाल के जो प्लेयर हैं वो प्रेशर ही नहीं झेल पाते हैं और एक तरफ से आउट होने लग जाते हैं। देखिए हमने आपको क्लियर कर दिया कि आप यदि श्रीलंका के प्लेयर देखते हैं और नेपाल के प्लेयर देखते हैं तो नेपाली प्लेयरों का स्ट्राइक रेट एवरेज, कम मैचों में ज़्यादा रन बनाना, ये सब श्रीलंका के प्लेयरों की अपेक्षा ज़्यादा बढ़िया है और नेपाल श्रीलंका को बिल्कुल हरा सकता है। और आपने देखा होगा कि श्रीलंका की टीम फॉर्म में भी नहीं चल रही है इस समय, श्रीलंका की टीम को कोई भी हरा के चला जा रहा है। तो इस 12 जून को जो मैच होगा नेपाल के पास पूरा चांस है श्रीलंका को हराने का। देखिए साउथ एशिया में अफगानिस्तान जो कि बहुत कमज़ोर टीम मानी जाती थी वो भी एक मजबूत टीम हो गई है और उसने न्यूजीलैंड को हरा दिया। आज से 7-8 साल पहले 9 साल पहले बांग्लादेश की टीम को बहुत कमज़ोर समझा जाता था, लेकिन अब बांग्लादेश की टीम भी बराबर की टक्कर देने लग गई है बड़ी टीमों को। तो हमारे साउथ एशिया में यानी सार्क के देशों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये देश है। इसमें जो नेपाल की टीम इस समय सबसे कमज़ोर है, सबसे ज़्यादा मैच हार रही है। पाकिस्तान टॉप 10 में, भारत टॉप 10 में, बांग्लादेश भी लगभग टॉप 10 में, श्रीलंका टॉप 10 में और अफगानिस्तान भी लगभग टॉप 10 में ही आता है। लेकिन नेपाल एक ऐसा देश है जो टॉप 50 में भी नहीं है अभी तक, यानी 16-17 नंबर पे चल रहा है। तो जब ये देश आ सकते हैं टॉप 10 में, टॉप 50 में, तो नेपाल क्यों नहीं आ सकता? नेपाल भी तो साउथ एशिया का ही देश है। यानी टॉप 10 में नेपाली टीम बिल्कुल आ सकती है, उसके लिए ज़रूरत है मेहनत की। धन्यवाद।